उसे कहते हैं शीशा। अब एक एक चीज चेक करवाऊंगा आपको, अलाइस चेक कीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और गाड़ी का साइड व्यू चेक कीजिए, ये सेकंड अलाय, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनलिटी है ना जो गाड़ी की, वो चेक करवा रहा हूँ। और ये आप बैक व्यू चेक कर सकते हैं, देखिए, मतलब किसी भी पार्ट में आप अपनी चेहरा देखेंगे ना तो वो चेहरा भी दिखाई देगा बिल्कुल, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आज कल बाहर जगह नहीं थी गली में, तो मैंने कहा आज थोड़ी जगह थी, क्योंकि अंदर से इतना कैमरा मूवमेंट नहीं करता ना, कैमरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। ये आप देख सकते हैं सेकंड व्यू, थर्ड अलाय एंड दिस वन फोर अलाय। अलाय भी गाड़ी का मतलब एक स्क्रैच भी नहीं है टच वुड। अब देखो इसमें भी मेरी फ़ोटो दिखेगी, ये देखो, ये देख सकते हो ना, मतलब चलो शौक की बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बात। अंदर का आप शोरूम से भी नई ब्रांड न्यू कार लेते हैं ना तो इतनी क्लीन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अंदर का व्यू दे देता हूँ एक बार आपको। अभी ये काम रह गया यार, ये स्क्रीन लगानी है, इसको भी मैं आज करवाता हूँ जैसे भी है, क्योंकि पीछे की सीट पे बैठ के ही आगे का व्यू आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है सेंटर कंसोल गाड़ी का, ये देख सकते हैं गाड़ी की छत, सीटें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, ब्रांड न्यू से भी ऊपर है यार। मैं तो एक बात मानता हूँ, कंपनी में भी हम गए, गाड़ियाँ हैं कुछ नहीं है, सब सफाई नहीं करते। ये देखो आप इसकी, क्योंकि हमें नई गाड़ी लेते हैं ना, नई गाड़ी के शौक में हमें पता ही नहीं लगता उसकी गंदगी का, मतलब डैशबोर्ड ये वो इंजन ये वो, ठीक है ना फ्रेंड। ये अंदर का हो गया, मैं एक बार आपको इसके इंजन पे भी नज़र डलवाता हूँ, क्योंकि जितना मैं कर सकता था इसको अपने लायक कर लिया। अब ऐसा है कि रनिंग तो कुछ भी नहीं है, सर्विस हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, डिटेलिंग हो गई है, अब तो बस साम संभाल की बात है कि जितना इसको साम संभाल के रखेंगे। लड़का है मेरा, बच्चा, उसको शौक है हरमन को, पर अभी वो इतना मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ी तो पूरी ड्राइव करता है वो, क्योंकि इससे पहले मेरे पास ऑटोमेटिक थी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी मैं खुद ही नहीं देता क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। ये देखिए, ये हो गया इंजन, ये बिल्कुल, मतलब जहाँ जहाँ भी जा सकता था ना हाथ, क्योंकि इंजन है थोड़ी मेहनत वाला काम, बंदे ने मेहनत बहुत करी है। अब यह है कि इसमें रेगुलर रोज कपड़ा लगना चाहिए गाड़ी पे, क्योंकि डिटेल हो रखी है ना, डिटेल पे जितना कपड़ा मारोगे उतना शीशा बनती जाएगी गाड़ी अपनी। बाकी रही पावर की बात, वो तो पावर तो इसकी गजब है भाई, मतलब एक एक चीज़ आप कहीं भी डस्ट ना मिट्टी कालक कुछ नहीं दिखा सकते, ठीक है जी। और वीडियो हो जाती है ज़्यादा लंबी,
इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे मम्मी जी भी आ गए धूप में, थोड़ा धूप लेने बाहर, क्योंकि सियाने बंदे हैं ना, थोड़ा धूप देखो पहले बाहर आती है फिर अंदर जाएगी धीरे धीरे बेड़े में। ये आप देख सकते हो, ये देखो नाइस व्यू। ये मतलब अब इससे ऊपर तो पीपीएफ है, पीपीएफ की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, समथिंग अराउंड 90,000 मांग रहा था, 90,000। तो मैं कहा यार इतनी लोड नहीं अपनी, चलनी तो है नहीं, गाड़ी खड़ी रहती है घर पे, वो तो उसकी जिसकी ज़्यादा, जिसने ब्रांड न्यू शोरूम से निकाली हो, नया नया शौक हो, लगा दिया 90,000 रुपया और ज़्यादा रनिंग हो कि बाहर खड़ी है चलनी है, चलो पीपीएफ का जो कोई अगर स्क्रैच या कोई कुछ लगता है तो वो पीस चेंज हो जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें भी इतना नहीं था, पर स्क्रैचेस ज़्यादा थे ना, गाड़ी बाहर खड़ी रहती थी, जैसे जिससे मैंने ली उन पर कई गाड़ियाँ थी, चलाते हैं नहीं थे, बाहर खड़ी है, बंदर कूद रहे हैं, कुत्ते कूद रहे हैं ऊपर, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी एक्चुअली। नहीं तो मेरा यही था, मैं कहा अभी इस पर खर्चा नहीं करना, गाड़ी पर पहले ही खर्चा बहुत हो चुका है, क्योंकि गाड़ी इसने बिल्कुल ओके बोल रहा है, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, आप चलाओ इसे। 10,000 पे सर्विस कराई थी, 13,000 चली है, मतलब 11-12 चली थी, बाकी 1,000-1,500 मैंने चलाई, 13 हो गया, 20,000 पे सर्विस होनी है। तो गाड़ी कुछ काम ही नहीं मांग रही थी, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं थी, एक दिन बैठे बैठे वैसे ही आ गया। मैं कहा यार पहले मैंने इसमें मारी फार्मूला 1 पॉलिश मारी, कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, मज़ा नहीं आया। फिर मेरा एक बंदा था बहुत बढ़िया, मैंने काफ़ी टाइम से उससे 2-3 बार बात हुई थी, तो उसको कॉल करी, वो कहने लगा भैया आ जाइए आप। तो जब मैंने गाड़ी दिखाई, कहने लगा तो देखो अभी थोड़ा सा टाइम दे दो, दिवाली के बाद कराना। मैं कहा कोई नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं, दिवाली के बाद फिर मेरे को टाइम नहीं लगा। तो उसकी कॉल आई, मैं कहा चल कह भैया गाड़ी दे दो, कहने लगा 2 दिन लगेंगे। मैं कहा 2 नहीं 4 लगा दूँ, 4 दिन ला, पर गाड़ी बना दी अगले ने शीशा। अब ये है कि गाड़ी सफाई मांगती है, बस बच्चों को शौक नहीं है इतना, बच्चों को कह दो चलो कभी मूड में हो तो मार दिया कपड़ा, ये तो गाड़ी चले ना चले रोज़ कपड़ा मांगती है, और कपड़ा भी ऐसा वैसा नहीं मारना कि कोई भी उठा के मार दिया, माइक्रोफाइबर कपड़ा मारो। और ये कपड़ा आता है वो रबड़ बेस्ड होता है, मैंने मंगाया है वो अमेजोन से। अब जैसे शीशे क्लीन करने हैं तो वो कोई कॉलिन पानी अखबार कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कपड़ा मारो गजब शीशा बना देता है वो गाड़ी को, मतलब वो मुझे नाम नहीं है पता, ये पड़ा है देखो इधर रखा है, मैंने मंगाया था 2 का सेट, एक मैंने यूज़ कर लिया है, ये रबड़ की तरह है, मतलब हल्का हल्का रबड़ जैसे ना, थोड़ा सा फंस के चलता है। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। और गाड़ी का काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आगे से मैं और बढ़िया से बढ़िया कोशिश करूँगा इसको बनाने की, ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।